Okay, so let's take a matrix A. मान लो हमें दिया है कि 5, 2, 9, 4, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, तो ऑपरेशन में दिखाता हूँ क्या होता है. ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है मतलब ये करना है हमें ना, हैव टू चेंज इट टू दिस फॉर्म, दो लाइंस बनाने. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली 5 इंटू 4, ठीक है, जो पहला एलिमेंट A11 उससे शुरू करना है. 5 इंटू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, जो डायगनल है राइट, उसको डायगनल नहीं, जो यू नो ऑपोजिट्स है एलिमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में माइनस साइन होना चाहिए. ओके, सो व्हाट वी गेट इज 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 2. ओके, और एक एग्जांपल करते हैं. सो लेट अस टेक ए एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, फाइंड आउट करना है, और मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 मान लो. ठीक है, तो उसका क्या वैल्यू होगी, 1 इंटू 4 राइट, माइनस 2 इंटू 3 राइट, 4 माइनस 6 विच इज -2. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए बहुत सिंपल है. ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए. आपको कभी ऐसा नहीं देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो. नो, दिस विल नेवर हैपन. ओके, तो एक और लेते हैं. मान लो आपको ये मैट्रिक्स दिया है 6, 3, 8, 4. ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे दिखेगा, 6, 3, 8, 4, यहाँ पे भी और एक लाइन. ठीक है, ब्रैकेट्स चेंज होके सिंपल सिंगल स्ट्रेट लाइंस बन जाते हैं. इट इंडिकेट्स दैट वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट. ओके, तो क्या करना है, 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 8 राइट, क्या होगा ये, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अभी इसका तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स अपना एक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में और एक टाइप है, लेकिन मैंने उस टाइम पे समझा नहीं, बिकॉज इट नीडेड ऑल दिस बैकग्राउंड. डिटरमिनेंट आपको क्या है पता होना चाहिए था. सो इट इज लाइक दिस इज 11th स्क्यू सिमेट्री, 12th टाइप इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ये क्या होता है, when value of determinant
is 0, the matrix is called singular matrix. ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे कहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ऐसा नहीं लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, ये गलत हो जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है. इनफैक्ट डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट, इट इज नॉट अ मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ वैल्यू. ओके, बट ए इज अ मैट्रिक्स, सो विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज इट? इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वॉट इज अ मैट्रिक्स एंड वॉट इज अ डिटर्मिनेंट. ओके, ओके, ये एक ट्रांसपोज में मैं आपको एक पॉइंट देना भूल गया. दो नोट्स एक्चुअली, कहाँ लिखूं? एक एग्जांपल इरेज करता हूं मैं. आई होप अपने होमवर्क नोट डाउन किया है ये वाला. होमवर्क ही इरेज करता हूं मैं. नोटेड डाउन, इफ यू हैव नॉट नोटेड इट, पॉज करो वीडियो, नोट डाउन करो, मैं इरेज करता हूं. नहीं, एक्चुअली ये नहीं इरेज करते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अपने को लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाने के लिए लगेगा ना, होमवर्क सॉल्व करने के लिए. सो लेट दैट बी, ये वाला एग्जांपल इरेज करता हूं. ओके, सो नोट है, इन व्हाट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, पहली नोट है ट्रांसपोज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स. इसका क्या मतलब है? इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज विल आल्सो बी इक्वल टू ए. दोनों सेम ही रहेगा. ए का ट्रांसपोज करो फिर भी अपने को ए मिलेगा, अगर ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, एंड सेकंड थिंग इज, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए नहीं अभी बी ले लेते, if B is a skew symmetric matrix, then B is equal to minus of B transpose. या फिर B transpose is equal to minus of B. आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है कि B is equal to B transpose. ऐसे लिखा है टेक्स्ट बुक में, B इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज. ठीक है, तो ऐसे याद रखो. और इसके जगह पे ऐसे लिखा है
कुछ नहीं, सेम ही है, लिखने का तरीका बस अलग है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, सो दिस इज वन नोट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये समझने के लिए बहुत इजी है, इसका मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। इफ यू वांट इट यू कैन मैसेज मी। आई वांट यू टू राइट एग्जांपल्स फॉर दिस बोथ। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? राइट एग्जांपल्स फॉर नोट वन एंड टू, ठीक है? एटलीस्ट दो एग्जांपल्स तो लिखो। ओके, तो क्या क्या होमवर्क है आपके लिए? ये दो होमवर्क है, और इन कोर्स ऑफ टाइम आई मे गिव सम होमवर्क, ठीक है? तो ये दो तो आप बना लो। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, लेकिन टाइम इज नॉट सफिशिएंट टुडे, सो आई विल स्टार्ट इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, विल सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स फॉर डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है? ऑफ ऑर्डर 2, यार 2x2, ठीक है? 3x3 हम लोग कल करेंगे, कल मतलब आई मीन नेक्स्ट टाइम आर लेक्चर शेड्यूल्ड। तो अभी फिलहाल कुछ एग्जांपल्स रेड में करते हैं। एग्जांपल नंबर वन, मान लो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। 7, 9, -4, 3, तो क्या होगा? 7 into 3 माइनस 9 into -4 क्या होगा? ये 7 into 3 इज 21, माइनस 9 into -4 इज -36। तो ये ओपन होके क्या होगा? 21 plus 36, राइट? हाउ मच इज इट? 57। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ये जो माइनस साइन है अंदर, देखो 9 into -4 इट बिकम्स -36। ये माइनस जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे इट विल बिकम प्लस, एंड 21 plus 36 इज सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है? 7, 5, ओके, 57। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बिट नाइस। देखो क्या एग्जाम्पल, डिटरमिनेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, माइनस क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, ठीक है? क्या होगा ये? ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये ही है अपना आंसर। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग, यू नो दिस फर्स्ट आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, राइट? तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को आंसर? 1, ठीक है? तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आई 7, ठीक है। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 आएगा, माइनस ऑफ क्या है ये, आई मल्टीप्लाइड बाय 2i, आई मल्टीप्लाइड बाय 2i, राइट। क्या ये क्या होगा ये फिर, ओ ये यहाँ माइनस 2i ले लो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड इरेजर, तो ये i मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2i, ओके। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 4 इनटू 7 इज 28, माइनस ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2i स्क्वायर होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो, कि उसका सब अलजेब्रा आप जानते हो। तो 28 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई होप यू नो दिस थिंग। तो -2 आई स्क्वायर बनेगा -1, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, 28 माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस 2 हो जाएगा, सो इट इज 28 -2, राइट। सो व्हाट वी फाइनली गेट इज 26, ओके। सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 4 आई माइनस 2 आई 7 इज 26, राइट। अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आंसर भी लिखता हूँ, लेकिन वहां तक आपको लेके जाना है आंसर को, ओके। सो दिस इज होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वेर ए इज लॉग 2 टू द बेस 4, यहाँ पे भी लॉग 2 टू द बेस 4, 4, ठीक है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिखता हूं, इसका आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में तो करेंगे, बट ट्राई योर बेस्ट, ओके। सो वील स्टॉप योर टुडे, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। पहले तो लास्ट टाइम के क्वेश्चन सॉल्व किए, ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये समझा, राइट। एंड वी स्टार्टेड विद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। सो दिस इज जस्ट नथिंग बट इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, कुछ एग्जांपल और शॉर्ट ट्रिक हमने देखा, ठीक है। उसमें एक नोट थी जिसका होमवर्क मैंने आपको दिया है, याद रखना, होमवर्क एक है यहाँ पे, फर्स्ट होमवर्क, दिस इज द सेकेंड होमवर्क, ठीक है। वो पूरा मेथड से सॉल्व करना है अपने को वो क्वेश्चन, ओके। फिर हमने क्या देखा, डिटरमिनेंट ऑफ अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स, सिंपल फॉर मेथड है। फिर हमने देखा कि जब डिटरमिनेंट 0 होता है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये थर्ड होमवर्क है आपके लिए।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.